नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो आरआरबी एनटीपीसी का बैच आपका स्टार्ट भी हो चुका है, और साथ ही साथ जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मात्र 199 रुपये में आप तैयारी से जुड़ सकते हैं। और जो आपकी सबसे बड़ी क्वेरी है, आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या चश्मा लगाने वाले फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन में मेडिकल कंडीशन अलग थी। कुछ बच्चे यही सोच के एनटीपीसी का फॉर्म नहीं डालते हैं कि आंख की मेरी दिक्कत है, मैं तो चश्मा लगाता हूं, ये फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। ये जो आप सोच रहे हो ये एकदम गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि चश्मा लगाने वाले एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि एएलपी का कंडीशन अलग है, टेक्नीशियन कंडीशन अलग है, सबके मेडिकल्स के स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। वही मेडिकल स्टैंडर्ड मैं आपको समझाने आ रहा हूं। और आपको अगर कोई दिक्कत है, आपको चश्मे से रिलेटेड कोई दिक्कत है, चाहे और कोई भी चीज दिक्कत है, वो कमेंट जरूर करके बताइएगा, मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो से आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी इशू है ना, वो पूरा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम सर्जरी करा लें तो बेटर रहेगा या ना कराएं तो बेटर रहेगा, ये सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। तो मेडिकल जो आपके एनटीपीसी अभी ग्रेजुएट लेवल वाला जो फॉर्म हुआ है वो लाइव हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। आपका एनटी जो 12th बेसिस पर है वो भी आपका जल्द ही है, उसका लाइव हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें इसके मेडिकल कंडीशन में, जो इसके पोस्ट आते हैं, सबसे पहले पोस्ट पे अगर हम आपको बताएं तो ये कुछ पोस्ट हैं आपके, देखिए जो आए हैं एनटीपीसी में। इनमें जो मेडिकल कंडीशन आपसे स्टैंडर्ड मांगा है वो क्या क्या मांगा है, यहां पर कहीं भी A1 का जिक्र नहीं हुआ है। तो ये मत सोचना कि हाँ मेरा ऐसा है वैसा है, A1 जब जिक्र नहीं हुआ और ए कैटेगरी के सिर्फ A2 यहां पर दो पोस्ट के लिए लगा है, बाकी में B2, C2 और C2 मतलब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो आपका पद है उसमें भी आपके आंखों मतलब रिलेटेड जो आंख से रिलेटेड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 लगेगा। बेसिकली रेलवे में आंख की ही मेन जांच होती है, तो यहां पर आपको C2 लग रहा है। C2 का मतलब चश्मा आप लगाते रहो, कितने भी पावर का लगा लो, आपने ऑपरेशन भी करा रखा है ना, तो आप यहां पर एलिजिबल होगे। ठीक है, तो C2 वाले में आप एलिजिबल होंगे। यहां पर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो यहां पर भी आपका मेडिकल C2 ही मांगा है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये सबका सपना होता है इस पद को पाने का है, तो यहां पर B2 मांगा है, आंखों का जो स्टैंडर्ड होगा। यहां एक स्टेशन मास्टर है और गुड ट्रेन मैनेजर है, क्योंकि भाई इनका जो काम होता है वो ज्यादातर मेन होता है। स्टेशन मास्टर देखते ही होगे कहाँ रहते हैं आपके, जो सिग्नल लेके स्टेशन पे रहते हैं, तो ये आंख तो इनकी अच्छी होनी ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन A2 का है, और गुड ट्रेन मैनेजर का भी A2 का है कंडीशन। अब इनमें देखते हैं कि क्या होता है, आपको अगर स्टैंडर्ड में दिखाऊं तो यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड में आइए, जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो A2 यहां पर क्या बोला, और बाद में एक लिखा है जनरल फिटनेस। जनरल फिटनेस में बोला है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकली फिट का मतलब, फिजिकली फिट का मतलब ये होता है कि आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, आपको ऐसा तो नहीं अस्थमा है, कोई ऐसा तो नहीं कि आपका हार्ट का जो है वॉल्व खराब है, इस प्रकार का कोई जो है लंबा जो एक बीमारी जो बोला जाए, बचपन से आपको कोई किसी प्रकार की बीमारी जिससे आप जूझ रहे हो, तो उस प्रकार की बीमारी तो नहीं है। फिजिकली आप फिट हो, ठीक है, कोई भी आप दवा नहीं खाते हो किसी भी चीज के लिए रेगुलरली, तो वो आप उसमें आप इसी को फिजिकली फिट कहा जाता है। आपका आंख कान सब कुछ, ECG, यूरिन टेस्ट, ये सब कुछ कराया जाता है। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर नापा जाएगा, आपके ECG कराए जाएंगे, यूरिन टेस्ट कराया जाएगा, ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, BP नापा जाएगा, सब कुछ, हाइड्रोसेल टेस्ट होता है, तो ये सब सभी टेस्ट होते हैं अगर वो नॉर्मल है, और जनरली नॉर्मल ही ये टेस्ट होता है, तो यही होता है बेसिकली फिजिकली फिटनेस टेस्ट। अब इसके बाद से आता है विजुअल मेन टेस्ट। विजुअल टेस्ट का ही मेन लोचा होता है यहां पर, जहां आपका A2 मांगा है दो पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर और गुड ट्रेन के लिए मांगा है ना, तो A2 के लिए आपको क्या चाहिए, 6x9 और 6x9 विदाउट ग्लास होना चाहिए। अब ये 6x9 का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। छह, जब आप जाते हो आंख हॉस्पिटल पे तो वहां देखे होंगे ABCD लगाया गया होता है, और 6 फीट की दूरी पर आपसे वो पढ़ाया जाता है।
अगर आप बिना चश्मे के सभी लेटर उसके जितने भी लिखे हुए हैं, एक लास्ट लाइन जो छह की होती है उसके बाद पांच की होती है फिर दो की भी होती है, तो अगर आप छह वाली लाइन जो बेस की होती है अगर वो पढ़ ले जाते हो, देखो जैसे ये यहां पर ये आपको एबीसीडी वाला रखा जाता है, तो छह बाई छह का मतलब ये हुआ, अगर आपको छह फीट की दूरी से इसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, और आपने बिना चश्मे के बिना किसी के आप ये वाली लाइन पढ़ डालते हो ये वाली, तो यही आपकी सिक्स बाई सिक्स है, ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ लेते हो तो सिक्स बाई नाइन है, ये पढ़ लेते हो तो ये सिक्स बाई ट्वेल्व है, और ये पढ़ लेते हो तो सिक्स बाई एटीन है, ये सिक्स बाई ट्वेंटी फोर है, ये सिक्स बाई थर्टी सिक्स है, तो ये आपके ऐसे होते हैं जो करेक्शंस आपके जब जाओगे आई टेस्ट कराने तो वहां पे आपको ये दिखेगा। तो यही बोल रहा है बिना चश्मे के आपके दोनों आंख छह बाई नौ छह बाई नौ विदाउट अ ग्लास। अब ये छह बाई नौ छह बाई नौ की बात किया है, ठीक है, छह बाई छह की बात नहीं किया है, छह बाई छह एकदम अच्छी आंख होती है, ठीक है, कहते हैं कि मेरी आंख छह बाई छह है, आज के समय में मोबाइल का जमाना चल गया छह बाई छह तो ज्यादातर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, होता है। ये वाली लाइन अगर आप बिना चश्मे के पढ़ लेते हो, ठीक है, ये एक्स यू ए एम टी वाली, कुछ लोग रट के जाते हैं डॉक्टर का साहब के यहां, तो वहां पे चेंजेस भी होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, रट के जाओगे तो उससे थोड़ी कुछ होता है। यहां छह बाई नौ ये वाली लाइन अगर आप पढ़ ले रहे हो बिना चश्मे के, तो आपको उस ए टू के लिए फिट माना जाएगा, ए टू पद के लिए आपको फिट माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लिखा है विदाउट ग्लास, विद ग्लास नहीं लिखा है। फिर नियर विजन में आप आओगे तो 0.6 का इसका होना चाहिए विदाउट ग्लास, जो आपका एक तरह से बोला जाए नजदीक की बात किया जाए तो नजदीकी नापने के लिए कुछ इस प्रकार का चार्ट होता है। यहां पर आप देखोगे तो ये चार्ट थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो लाइन इसके जो फॉन्ट लिखे हुए हैं ये होता है N6 N8। N15, N24 और N36, तो इसी को 0.6 बोला जाता है, यही आपका 0.6 वाला है। अगर आप इस फॉन्ट को पढ़ लेते, बहुत छोटा फॉन्ट होता है, आप देखिए ये वाले तो सब बड़े बड़े हैं, 36 एज ऑफ 70, तो ये वाला सबसे छोटा फॉन्ट होता है, ये किताब मिलता है आपको नजदीक से ऐसे पढ़ने के लिए, डॉक्टर के पास जाओगे अगर आप पढ़ लेते हो बिना चश्मे के तो आपका नियर विजन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका नियर विजन भी सही है, ठीक। उसके बाद से आपका मशीन पर जाओगे, मशीन पर टेस्ट होता है, एक कलर विजन टेस्ट आपका एक दिया जाएगा कलर टेस्ट करने के लिए, बायनोकुलर विजन जो होता है मशीन पर टेस्ट किया जाता है आपका, नाइट विजन और मायोपिक विजन भी आपको टेस्ट किया, मायोपिक मतलब वही कि आप दूर का और नजदीक का देखो, ये आपका कलर विजन के टेस्ट के लिए होता है, इसमें आप पहचान पा रहे हो कि नहीं कि क्या लिखा है, जैसे यहां पर देखो 8 लिखा हुआ है, यहां पर आप खुद पहचान के देखना ऐसे फिगर में, आपको गूगल पे कई सारे मिल जाएंगे, अपना कलर ब्राइटनेस चेक करना है तो ऐसे फिगर को आप देखिएगा, कुछ में नंबर आप पहचान पा रहे हैं क्या लिखा है, जैसे यहां 13 लिखा है, यहां 16 लिखा है, यहां 9 लिखा है, यहां 12 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है, 13 लिखा है, तो ऐसे आप पहचान ले रहे हैं, तो आपका कलर वाला कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए रेलवे में, ये ध्यान रखिएगा। बायनोकुलर विजन में जाएंगे कि मतलब आप एक बार में जो आंख देख रहे हैं दोनों आंखों से तो वो सेम डिस्टेंस वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक ही देख रहे हो एक आंख आपकी ऐसी तिरछी जा रही है, तो वैसा नहीं होता, इसमें कई सारे डिफेक्ट होते हैं बायनोकुलर में। ये आपके देखिए आपकी एक आंख जैसे यहां पे फोकस किए तो एक आंख इधर की तरफ आ गई, जब आपसे बोला गया दोनों आंख सीधा करो तो सीधा ना होकर आपके एक आंख किनारे चली जाती है, चाहे इधर इस किनारे आ जाए चाहे उस किनारे आ जाए, तो कई सारे डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इधर इस किनारे आ गया, ठीक है, ये यहां पर देखो यहां पर कंसंट्रेट कर रहा है, ये है, तो यहां पर यही मेन होता है कि कई सारे डिफेक्ट होते हैं बायनोकुलर को, इसको मशीन से ही चेक किया जाता है बेसिकली। यहां देखो ये इस किनारे पे भग गया, ठीक है, तो आंख जो तिरछी जिसको बोला जाता है वो वाला डिफेक्ट होता है। और ये होता है आपका नॉर्मल विजन, मायोपिक विजन और हाइपरमोफिक विजन। इसमें क्या है, जैसे मान लो कि मायोपिक विजन जब टेस्ट होता है आपका, इसमें देखा जाता है कि दूर की चीजें आपको धुंधली दिख रही है, वही मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो यहां पर ये देखो कि क्या है, ये नजदीक की है तो नजदीक को आपका साफ दिखेगा और दूर का धुंधला दिखेगा, नॉर्मल में दोनों आपका सही दिखता है। और इस पर
हाइपरोपिक में आपको क्या दिखता है कि नजदीक वाला धुंधला दिखता है और दूर वाला आपका, तो ये भी टेस्ट कराया जाता है जब आप जाते हैं तो कितना है आपका वैसे क्लियरेंस कितना है, फिर उसी हिसाब से, क्योंकि 6x9 आपका मांगा है ना, 6x6 तो मांगा नहीं है, इसलिए ये टेस्ट करना पड़ता है। 6x6 होता तो आप नॉर्मल होते, सब कुछ अच्छे से देख लेते, 6x9 है तो कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, हो सकता है कि आप नजदीक वाला ना देख पाओ, हो सकता है कुछ दूर में धुंधला देखो, तो वो टेस्ट करके डॉक्टर देगा। इसीलिए इसके एनेक्सर भी दिए गए हैं, एनेक्सर में आप पहले जाओगे मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास, वो बढ़िया से रिपोर्ट बना के देगा। तो फॉर्म भरने समय जिसको भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, एक बार आप करा लो, क्योंकि आपको कराना है ही है, जब डीबी में जाओगे तो ऑलरेडी वो करा के लेके जाना है, तो पहले ही करा लो, आप संतुष्ट हो जाओ कि मेरा 6x9 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाइनोकुलर मिस्टेक तो नहीं है, ये सब चीजें आप पहले से कंफर्म हो जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे टेस्ट होती हैं। ऐसे A3 में जाओगे, A3 वालों के लिए क्या है, A3 का 6x9 6x9 विद और विदाउट ग्लासेस, यहां पर आपको ग्लास और ग्लास के साथ, मतलब ग्लास के साथ भी और बिना ग्लास के भी, दोनों आपका हो, और पावर आपका 2D से ज्यादा नहीं होता, 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके लेंस का पावर। बाकी नियर विजन आपका वही है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी कलर विजन टेस्ट होगा, बाइनोकुलर होगा, मायोपिक होगा, नाइट विजन होगा, ये सभी टेस्ट होंगे। उसके बाद से B2 में आ जाओ, B2 में भी आपको डिस्टेंस विजन जो है ये 6x9 और 6x12 विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब विद और विदाउट ग्लासेस आपका, अगर जैसे 6x12 तक आप देख ले रहे हो विद और विदाउट, जैसे एक दो चीजें लिखी है ना, एक आपका 6x9 हो, एक आपका 6x12 हो, दो आंखें होती हैं, तो यहां दोनों के 6x9 6x9 की बात की गई है। इस केस में उनको B2 दिया जाता है जिनकी एक आंख तो 6x9 है चश्मा लगाने के बाद भी या बिना चश्मा के, और एक आंख 6x12 है, ऐसा होता है डिफेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि दोनों आंख में आपके सिमिलर ही डिफेक्ट हो, ठीक है, इसीलिए दोनों आंख के पावर भी आपके डिफरेंट होते हैं कई कई बार, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा 6x9 और 6x12 विद और विदाउट ग्लास, क्योंकि आप ग्लास भी लगाओगे तो ऐसा थोड़ी होता है पूरा, अगर आपके आंख में कोई डिफेक्ट है ना तो फिर सर्जरी से ही सही होता है, ठीक है, आपके लेंस यहां लगाने से आपके करेक्शन उतने नहीं होते हैं। तो यहां पर बोला है 6x9 6x12, 1 से 6x9 देख सको और 1 से 6x12 देख सको, तो आप किस कैटेगरी के अंदर आओगे, आप B2 वाले में। बाकी नियर विजन का आपका वही कॉन्सेप्ट है, और पावर का ध्यान रखिएगा कि आपके लेंस का पावर 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही C2 पे आते हैं, C2 में क्या है ध्यान देना, तो C2 में आपका क्या है 6x12, अब 6x12 लिख दे, डिस्टेंस विजन 6x12 निल विद और विदाउट ग्लासेस, एक का नहीं लिखा, ठीक है, एक का आपका नहीं लिखा, एक का लिखा कि 6x12 तक होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, तो जाहिर सी बात है आप 6x12 तक देख ले रहे हो तो वो आप C2 कंडीशन में आओगे, ये ध्यान रखिएगा, इस वाले कंडीशन में आओगे C2 वाले में आओगे, बाकी इसमें और कोई टेस्ट नहीं होगा आपका, ना ये होगा ना आपका कलर विजन होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, यहां पर ध्यान रखिएगा, तो बस इतना ही C2 में मांगा है, और C2 के पद आपको देखे होंगे कहां पर, तो C2 सबके लिए है, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है, C2 आपके एक और दो पद, मतलब जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों में ही C2 मांगा है। अब C2 वाले जो बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, हाँ C2 वाले जो बच्चे हैं वो अपने आंख का ऑपरेशन लेजर करा सकते हैं, जो कहते हैं ना कि सर हम लेजर करा सकते हैं कि नहीं, तो वो करा सकते हैं, कौन कौन करा सकता है, B2 और C2 वाले लेजिक ऑपरेशन करा सकते हैं, इनका ऑपरेशन चलेगा, ठीक है, लेकिन A2 और A3 के जो होंगे इनमें लेजिक ऑपरेशन नहीं चलेगा, इसमें ऑपरेशन जो है नहीं चलेगा, ठीक है, अगर कराओगे और ये सोचोगे कि पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाओगे, नहीं चलेगा, यहां पर चलेगा, साफ साफ नोटिफिकेशन में लाइन लिखी हुई है, तो लेजर ऑपरेशन लेजिक लेजर कराए हो तो ये आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, दौड़ेगा, तो ये दोनों पोस्ट, दोनों आपके जो कैटेगरी है B2 और C2 इनके लिए चलेगा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए सब कुछ आपने पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ लिया कि हाँ
कैसे कैसे आपके टेस्ट होते हैं आंखों का। बाकी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप डायग्नो को कि आपके चेस्ट का एक्सरे होगा, ठीक है, कि भैया आपको कोई पहले से जैसे अस्थमा अस्थमा टाइप की डिसीज है, सीओपीडी तो नहीं है, सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है, फिर आपके हार्ट में कोई दिक्कत वॉल्व वॉल्व की खराबी तो नहीं है, ईसीजी का चेकअप होगा, ठीक। इसी प्रकार से आपके जो ब्लड टेस्ट होते हैं, पूरे फुल बॉडी ब्लड टेस्ट होता है आपका, फुल बॉडी ब्लड टेस्ट होता है, कोई ब्लड कैंसर इस टाइप की डिसीजेस तो आपको नहीं है, ये सब देखा जाता है। यूरिन टेस्ट होता है, हाइड्रोसिल टेस्ट होता है, आंख और कानों का टेस्ट होता है। तो ये आपको बेसिकली एक मेडिकल आपको पूरा का पूरा टेस्ट कराया जाता है, जिसको फिजिकल टेस्ट बोला जाता है। ये जनरल हर एक बोलोगे जॉब में जब जाते हो तो आपका पूरा टेस्ट कराया जाता है, तो ऐसे ही यहां भी कराया जाता है। मेन आंखों का ही होता है, आंख वाला मैंने पहले ही बता दिया। अब डाउट सबके क्लियर हो गए होंगे कि सर अगर मेरा पावर 4 है, 5 है, -5 है, +4 है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? साफ साफ लिखा है जहां पर आपको C2 लग रहा है वहां पे आप फॉर्म भर सकते हो, और दो पोस्ट के लिए मैंने बता ही दिया कि C2 लग रहा है। अगर 4 से ज्यादा आपका पावर है तो आप C2 के लिए हो, अगर 4 से कम है तो बाकी B2 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, B2 वाले जो पोस्ट है। तो ये आपको आंखों वाला जो है आज क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद भी अगर कोई समस्या है आपको तो जरूर बताइएगा, और जिन्हें भी टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़ना है, क्लासेस भी आपकी निशुल्क भी चल रही है, शाम 6 बजे से भी चल रही है, 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं, जो RRB की होती है, रीजनिंग मैथ साइंस GK GS, ये पूरे आपके NTPC के बेस पर रेलवे की क्लासेस चलती है। पेड क्लासेस में आपको ये डिफरेंट आपके फैकल्टी मिलेंगी जिन्हें आपको पेड क्लासेस में आपको पढ़ाएंगी। पेड क्लासेस के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करना है, और कोई भी बैच अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, NTPC हो चाहे LPO टेक्नीशियन हो, वो आप मात्र 199 में, ₹199 में आप एनरोल्ड कर सकते हो। तो इसमें आपको पूरा एकदम सीरियल वाइज क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज, प्लस आपको वीडियो प्रीवियस ईयर की मिलेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनके पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे वीडियो के फॉर्म में। तो ये सब और नोट्स तो आपको दिया ही जाएगा, मतलब एक किताब के दाम में पूरा का पूरा फुल बैच आपको दिया जा रहा है। जिन्हें भी इनरोल्ड करना है तो इनरोलमेंट कर सकते हैं, क्लासेस आपकी शुरू हैं, डेमो भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है इसके बाद तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।